हेलो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी। ने आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, भारत में बरसात का मौसम है, लेकिन अनाउंसमेंट की बरसात कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ। जी हां, कई सारी मूवीज पाइपलाइन में हैं और अब वो लेकर आ रहे हैं अपनी एक और मूवी का अनाउंसमेंट, जो कि एक 3 मिनट लंबे वीडियो के साथ किया गया है। गाइज, अभी उनकी जो मूवी पाइपलाइन में वो है अक्षय कुमार के साथ उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उनकी गणपत, रैम्बो और बागी 4। 4 मूवीज और लेडी उनकी पाइपलाइन में है गाइस, अनाउंस हो चुकी हैं, शूटिंग चल रही है, लेकिन अगली मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और उस मूवी का नाम है स्क्रू ढीला। गाइस, शशांक केहतान इसके डायरेक्टर रहेंगे, जो इससे पहले धड़क, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी मूवी बना चुके हैं। करण जौहर इसके प्रोड्यूसर हैं और ये एक एक्शन एंटरटेनर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सी के स्क्रू ढीला का जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो कैसा है, क्या ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे धमाकेदार है जैसे उसका एक्शन एक अनाउंसमेंट के लिए उन्होंने पूरा एक एक्शन वीडियो बनाया था। लेट्स स्टार्ट द अनाउंसमेंट वीडियो ऑफ स्क्रू ढीला। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर? पीटी टीचर अखिलेश मिश्रा। जॉनी गाइज, ये था धमाकेदार अनाउंसमेंट वीडियो ऑफ स्क्रू ढीला। गाइज, मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों के एज ईयर्स आर पासिंग जो एक्टिंग है टाइगर श्रॉफ की वो बेटर होती जा रही है बाय टाइम। फ्रॉम हिज फर्स्ट मूवी हीरोपंती, जो मेरे को एक्टिंग के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी उनकी, किसी को भी नहीं आई को एज पर मुझे जो लगता है, लेकिन उसके बाद एज एन एक्टर ही ग्रोज अप। और वॉर में जो उन्होंने उनको जो क्लाइमैक्स सीन है वो बताता है कि एज एन एक्टर वो कितना ग्रो हुए थे, दैट द क्लाइमैक्स सीन विद ऋतिक रोशन वॉर में। और वही चीज़ गाइज मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कैसा एज एन एक्टर उन्होंने कैसा ग्रो किया। उनकी एक्शन के बारे में हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक्शन रहता
हमेशा जो है कुछ स्टंट्स गाइस न्यू हैं जिसमें, और उनका जो फेशियल लुक है इस समय जब वो ये स्टंट्स कर रहे हैं गाइस, वो मैटर करता है, क्योंकि जब आप स्टंट कर रहे होते हैं गाइस आपका ध्यान बहुत सारी जगह होता है, लेकिन उस समय भी आपका जो फेस है अगर आप उसको एक फोकस कर पाते हैं कि मुझे ऐसा दिखना है गाइस, वो बहुत बताता है कि आप कैसे एक एज एन एक्टर कर रहे हैं गाइस। स्क्रू ढीला जो है शशांक कहता इसको डायरेक्ट करेंगे, बेहतरीन लग रही है गाइस। इसमें एक्ट्रेस का अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कौन होगा ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ के, और मूवी कैसी होगी, कब इसका टीजर आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें गाइस इसके बारे में। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसका जो अनाउंसमेंट वीडियो का, बहुत बेहतरीन लगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।